लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत कल होने वाले मतदान के लिए आज प्रयागराज जिले से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। इस बार इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से 14 प्रत्याशी और फूलपुर संसदीय क्षेत्र से 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में 18,25,330 मतदाता हैं, वहीं फूलपुर संसदीय क्षेत्र में 20,67,043 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। दोनों लोकसभा क्षेत्र के लिए 4,412 बूथ बनाए गए हैं, जिस पर मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां भेजी जा रही हैं। इस मौके पर सेक्टर मजिस्ट्रेट डॉक्टर जी गणेशन मिश्रा ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर प्रयागराज में अलग अलग जगह से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है, कहीं किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो इसके लिए सभी प्रकार के प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन की व्यवस्था बहुत अपडेट है, पोलिंग पार्टियों में जरा भी दिक्कत नहीं हो रही है। सबको निर्धारित स्थान पर बसों की सुविधा दी गई है और सारी पोलिंग पार्टियों को एक जगह इकट्ठा करके सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा उनको ससमय बैठाया जा रहा है और बस से रवाना किया जा रहा है। और सारे रूट मैप बने हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, जगह जगह पानी की व्यवस्था है। चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है इलेक्शन के मद्देनजर सारी व्यवस्थाएं यहाँ रखी गई हैं। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है, मेडिकल की व्यवस्था है और सारे चाक चौबंद है। सारी व्यवस्था हम अप्रिसिएट करते हैं ये प्रशासन की व्यवस्था को। 3 सेंटर बनाए गए हैं, एक परेड ग्राउंड में बनाया गया है और एक एकेपी में बनाया गया है, केएमएनआईटी में बनाया गया है। तो तीनों तरफ का गंगा पार, यमुना पार और सारी 3 कई जोन में बांटा गया है। इसको सारी सुविधाएं हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।